अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मैं जिशान अली आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर बेटा कैसे हैं आप लोग मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे तो चलते हैं आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लॉ ऑफ मास एक्शन और आज हम डिराइव करेंगे एक्विलब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को कुछ यूं डिफाइन किया था द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासिस ऑफ रिएक्टेंट्स इफ मोर देन वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन हमारे पास एक जनरल रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है ए ए बी बी सी सी डी डी जिसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी रिएक्टेंट्स हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं कैपिटल सी और कैपिटल डी प्रोडक्ट्स हैं जबकि समॉल सी और स्मॉल डी इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अब हम उसी वे से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली डिराइव करेंगे एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव एक्टिवनेस ऑफ रिएक्टेंट ए and active mass of reactant B. Coefficients, any number of moles, will come as exponents. My dear students, Rf, rate of forward reaction, Rf is equal to Kf into active mass of reactant A इन टू एक्टिवैस ऑफ रिएक्टेड भी कॉफिशेंट ऑफ द इक्वेजन विल कम एज एक्सपोरेंट इन द इक्वेजन माई डियर स्टूडेंट्स यहां पर इक्वेजन में प्रेजेंट हर चीज का आपको पता होना चाहिए आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन जबकि ए का मीन है रिएक्टेंट और बी क्या है सेकेंड रिएक्टेंट और स्केर ब्रैकेट का मीन है मोलर कंसेंट्रेशन यानी एक्टिवनेस और जो मोल्स हैं इक्वेशन में यह आएंगे एज एक्सपोरेंट्स इन द इक्वेशन सिमिलरली हम लिखेंगे रिवर्स रिएक्शन भी आर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी इन टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी जो मोल्स प्रेजेंट हैं इक्वेजन में दे कम एज एक्सपोनेंट्स इन द इक्वेजन माइ डियर स्टूडेंट बाई पुटिंग द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आर आर ज इक्वल टू के आर इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी जो मोल्स हैं इक्वेजन में ये आएंगे एज एक्सपुर मैडियर स्टूडेंट्स आर आर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के आर रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन जबकि कैपिटल सी प्रोडक्ट है और कैपिटल डी भी प्रोडक्ट है और स्केयर ब्रैकेट अब हम समझते हैं एक्टिव मैस को रिप्रेजेंट करते हैं यानी मोलर कंसेंट्रेशन को और जो कॉफिशियंट है, हैं इक्वेशन में ये आएंगे एज एक्सपोनेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमने दो चीजें लिखी हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और हम जानते हैं एट एक्विल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी कॉफिशियंट एज एक्सपोन इन द सेम वे अभी हमने आर आर भी लिखा है यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के आर इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी कॉफिशेंट एज एक्सपरेंट हम कॉन्स्टेंट्स को लेफ्ट साइड पे कर लेंगे जबकि कंसेंट्रेशन को राइट right साइड पे कर लेंगे के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी कॉफिश एंट एज एक्सपोन डिवाइडेड विद मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी कॉफिशियंट एज एक्सपोनेंट के एफ ओवर के आर हम इसे बोलते हैं के सी यानी एक् विलबरियम कॉन्स्टेंट माई डियर स्टूडेंट्स हमने यह बात लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी द रेशियो बिटवीन के एफ एंड के आर इज कॉल्ड के सी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के जो कांस्टेंट्स हैं उनके दरम्यान जो रेशो है उसको हम बोलते हैं के सी एक् कांस्टेंट। कॉन्स्टेंट और हर रिवर्सिबल रिएक्शन का एक कॉन्स्टेंट फिक्स के सी वैल्यू होता है जो जस्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट है सो वी मे राइट के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड विद प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कॉफिशियंट ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेजन विल कम एज एक्सपोनेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं एक्विलियम कॉन्स्टेंट इक्वेशन या एक्सप्रेशन। और ट्रेडिशनली हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को न्यूमरेटर में प्लेस करते हैं जबकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डी में पुट करते हैं इन द एक्विलियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन डेयर स्टूडेंट्स हम ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे से अब डिफाइन करेंगे लॉ ऑफ मा सेक्शन को द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स रेज टू पावर इक्वल टू देअर नंबर ऑफ मोल्स in the balanced chemical equation. The rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of its reactants raised to the power equal to their number of moles in the balanced chemical equation. डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट माइ डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस डेफिनेशन को दो से तीन दफा अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है अब इस डेफिनेशन को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एन टू प्लस थ्री एच टू रिवर्सिबली फॉर्म टू एनएच थ्री मीटू से मालिक्यूलर नाइट्रोजन का वन मोल है मालिक्यूलर हाइड्रोजन के तीन मोल हैं जबकि अमोनिया प्रोडक्ट के दो मोल हैं जब ये रिएक्शन अप्रोच करेगा अपनी डायनामिक एक्विलियम स्टेट पे तो हम इसका लिख पाएंगे एक्विलब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जिसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में होगी जबकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में होगी अमोनिया प्रोडक्ट है तो न्यूमरेटर में पुट किया जाएगा जबकि जो कॉफिशियंट है यानी मोल है यह आएंगे एज एक्सपोनेंट जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट हैं तो ये केसी एक्सप्रेशन में आएंगे डिनोमिनेटर में तो एन टू का वन मोल है जबकि हाइड्रोजन के तीन मोल हैं वो आएंगे एज ए तो हम यू कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स जब भी आप लोगों ने रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का एक विलब्रियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है केसी एक्सप्रेशन तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन न्यूमरेटर में रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन डिनोमिनेटर में और जो मोल्स हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो आएंगे एज एक्सपोनेंट्स इन द केसी एक्सप्रेशन और यहां हम दोबारा डिफाइन करेंगे डेफिनेशन को द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज

अमोनिया सिंथेसिस, अमोनिया फॉर्मेशन का केसी एक्सप्रेशन लिखा है बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसका हम केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिवर्सिबली फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मालिक्यूलर हाइड्रोजन का वन मोल है मालिक्यूलर आयोडीन का भी वन मोल है जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मोल हैं जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन अप्रोच करेगा अपनी डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट पे, तो हम इसका लिखेंगे केसी एक्सप्रेशन यानी एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन और एक्विलब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा न्यूमरेटर में पुट की जाती है जबकि रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन डी में प्लेस की जाती है और जो कॉफिशियंट्स हैं यानी मोल्स हैं वो आते हैं एज एक्सपोनेंट्स इन द केसी एक्सप्रेशन डियर स्टूडेंट्स हमने दो एग्जांपल अंडरस्टैंड की कैसे हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का केसी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हमेशा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आप लोगों ने न्यूमरेटर में पुट करना है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को डिनोमिनेटर में प्लेस करना है और जो मोल्स हैं यानी कॉफिशेंट्स हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उनको एज ए पुट करना है इन द केसी एक्सप्रेशन डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक मैथमेटिकल डेरिवेशन थी आप लोगों ने एक्विलिबियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की मैथमेटिकल डेरिवेशन तैयार करनी है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसको एटलीस्ट दो दफा आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर पुट डाउन करना है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम केसी यूनिट्स केसी एक्सप्रेशन की फर्दर प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़